अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक परिंदा है जी, उसके तीन बच्चे हैं यहाँ पे। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये बेचारी चिल्ला रही है। मुझे लगता है इसका कोई और बच्चा यहाँ पे था जो कि शायद गुम गया है, जिसकी वजह से ये चिल्ला रही है। तो ज़ाहिर है मदर का जो लव होता है वो बहुत बड़ी चीज़ है, इंसानों में तो होता ही है लेकिन जानवरों में भी आप देखें एक माँ को अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं। तो उसका बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर कि ये एक अमली मज़ारा प्यार का, देखें मदर लव एंड केयर। ए वाला हां ए डायमंड हो गया बाकी है सर। ये एनोनाशा। अच्छा सर, आप इसके बारे में मतलब क्या कहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना इसके शेल्टर का बंदोबस्त करें। अच्छा, ये जो बच्चे बिल्कुल छोटे हैं अभी तक, और एक तो बिल्कुल ही छोटा है। हाँ, अगर कहीं से मिलता है तो ये किसी से बड़ा नया परिंदा भी यहाँ पे आ चुका है जी, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और वो भी नीचे नजरें जमा रहे, ये एक छोटा सा उसका बच्चा मुझे लगता है। और ये डैमेज हो चुका थोड़ा सा, इसलिए इससे चला नहीं जा रहा, ये देखें आप काफ़ी मुश्किल से। तो इसके लिए बेटर, ये बच्चा डैमेज हुआ है जी काफ़ी देर। वैसे रमज़ान साहब आपने ये देख लिया इसको, वरना बेचारा पता नहीं कितनी देर वहाँ पर रहता जी। इसके तो डेथ के चांस। हाँ जी, ये देखना उसे चला भी नहीं जा रहा यार, वो चल चल के थक चुका है, उसने कोशिश की है इतनी देर। हाँ जी, बाय स्ट्रगल वो उधर खड़ा रहे तो है। वो जैसे ही पापा असल में ये बोल नहीं सकता ना, तो इस अगर ये बोलता थोड़ा सा तो फिर इसकी वो चल जाता था शायद। नहीं, उसने कोशिश की है, उठाया नहीं। अच्छा, इसलिए तो चला रही थी ज़्यादा, अब इतनी ज़्यादा नहीं, अब नॉर्मल है। ये देखिए बड़ी मुश्किल से ये चलता हुआ और जो है की तरफ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। उसके दूसरे बहन भाई भी वहाँ पे, ये रमज़ान साहब हैं जी यहाँ पे एडजस्टमेंट लगा रहे हैं उन बच्चों को यहाँ पे रखने के लिए जी, वो जो परिंदे के बच्चे हैं। सर यहाँ पे वो मतलब ठीक तरह से रह लेंगे? मसला है कि जो कवा वगैरह होता है ना, ये ना छेड़े बस यहाँ पे नीचे ही। हाँ, वो कौवा मुझे लगता है इनको उठा लेता है। इसमें फिर पानी रख देते हैं ये जो बर्तन है जी, इसमें पानी रखते हैं। हाँ जी, तो उनको ले क्या है उनको अब? यार मुझे तो वैसे उससे डर भी लगता है, कहीं वो मेरे जो है ना वो गले ना पड़ जाए, है ना? ये देखे ना वो बड़े ख़तरनाक तरीके से भागती है। और छोटा किन्हें चल के जाएगा? चलो चलो चलो, ये देखें जी हम इसको जो है वो शेल्टर वाली साइड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे को उठाओ और उधर ले आओ, ये है अंदर, तो फिर ये कैद होके रह जाएंगे ना। उधर आओ भाई, यहाँ पे बहुत फंटास्टिक आपने काम किया, ये जो आप करके आ रहे हैं वहाँ पे, कि उधर ही आपने छोटे बच्चे को भी उधर छोड़ दिया। और वो छोटा आगे गुजरते ही
कहाँ जाएगा, जाओ यार अपने भाई के पास। अब ये इसके लिए बहुत ही अच्छा खा रहे हैं। अच्छा यार देखो, हालांकि ये परिंदे ऐसे हैं कि इनके करीब से गुजर या फौरन शुरू करके उड़ जाते हैं जी, और वहाँ अपने औलाद के लिए नहीं। हाँ जी, अब देखो अब हमसे ये डर नहीं रहे, मतलब नहीं यार, इट्स मॉरल स्टोरी है, इट्स मॉरल स्टोरी रियलिटी। और ये होता है ना, हम लोग कहीं भी मतलब इस तरह फौरन ये उड़ जाते हैं, अब बच्चों को छोड़ के नहीं जाएगी, चाहे इसे खुद पकड़ लें। हाँ ये तो है, क्या बात है यार, इंसानियत तो दूर की बात है, ये जानवरों के अंदर इंसानों के बारे में जज्बा है। और बिल्कुल देखो वो लागर से फिर रही है, वरना उठ जाती यार, उसको वो भी बुला रहा है बाप। और हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बाप की थोड़ी सी मोहब्बत कम होती है, वो ऊपर बैठा है, वो खाने का अरेंज करने गया है। नहीं नहीं, नहीं खाने का नहीं, वो कहता है आओ बस। नहीं बाप का इतना ज्यादा नहीं होता, कभी ये आप आजमा लें, ये अक्सर जब अक्सर घर में झगड़े भी हो जाते हैं तो ज़्यादा जो प्रेफरेंस देती है वो माँ दे। मोम दे। अच्छा, और अक्सर आपने कोर्ट में भी देखा नहीं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो दोनों का अच्छा। अक्सर आपने कोर्ट में देखा होगा बच्चे अक्सर जैसा पूछते हैं, अब तो नहीं पूछते, खैर अब तो ला चेंज हो गया, पहले पूछते थे हाँ भी बच्चा किधर जाना है, तो बच्चे मोस्टली जो है मॉम को बराबर। वैसे मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे तो मॉम और डैड से बराबर का ही प्यार मिलता है। बस वो तो ठीक है ना, वो आपका एक्सेप्शनल केस हो सकता है, और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया कि वो अब थोड़ा सा ओड़ी है ना जी। हाँ मुझे लगता है वो कह रही है थोड़ा स्टेबल हो गए हैं ना, उसके वो छोटा था, वो छोटा बैठ, अच्छा छोटा बैठ जाते हैं ना, वो पहले बैठा रहा छोटा, ये कंसेप्ट है कि शायद मेरे साथ आ जाएंगे, और उसको वो बुला रही है कि आओ निखट्टू इधर फिर रहे। अच्छा निखट्टू को बुलाने गई है जी। अच्छा। वो इधर बैठा है, इसकी आवाज़, ये तो आप फिजिक्स के टीचर हैं, टकरा के पास आती है ऐसे लगता है। नहीं नहीं, इसकी जो है ना, इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप देख सकते हैं यार, इन्हें बस कैट ना पड़ जाए, मुझे ये लगता है मतलब बिल्ली ना पड़ जाए जी। अच्छा, और बिजली का कोई बंदोबस्त किया जाए जी, तो आप क्या ऐसे करें कि ये क्या करें, बच्चे हम पहले नहीं, वो पता है उसको कितनी तकलीफ होगी, ऐसा नहीं करते तो जब बिजली ले गई तो यार बिजली यहाँ पे कैसे आएगी, अब आ तो सकती है वैसे, लगता है आप इनको काफी अच्छे से जानते हैं जी। सर आई एम जूलॉजिस्ट। अच्छा, आई एम जूलॉजिस्ट। अच्छा, मुझे जानदारों का बड़ा मतलब बड़ा। अच्छा, वैसे तो मतलब फिजिक्स वाले लोगों को नहीं है यार, मैं भी काफी सबको होती है, थोड़ा डिपेंड करता है। हाँ जी, मौसम बहुत प्यारा है और ये बच्चे देखें कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, वो भी ठीक हो गया जिसको मैंने, है ना, वो अब थोड़ा चहलकदमी कर रहा है ना खुले माहौल में। इधर माहौल क्या करते हैं यार, वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे वैसे अच्छा है सिस्टम, यार इसने हमला कर देना, मुझे इससे लग रहा है डर, क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा इसका हमला, सब कुछ यार बच्चे घूम जाएंगे वहाँ, नहीं नहीं ये कभी नहीं, घास काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कोई चक्कर नहीं है सारे, ऐसी जगह पे रहते हैं ये, आपको पता है वो इतनी बड़ी बड़ी कमाल होता है। हाँ जी, तो ये बच्चों को अब हम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड पर, यहाँ पर शेल्टर शायद उनको अच्छा नहीं लगा ये यार, इसको ये छोटे को लेकर जाओ, ये बेचारा बड़ा मुश्किल से जाता है, ये देखे ना, प्रैक्टिस होने ताकि ये ठीक हो, ये देखे ना विजय, देखे ना उससे ऊपर भी नहीं गया जा रहा, थोड़ा साइड को ना। हाँ अब मेरा ख्याल है वो कितने खतरनाक तरीके से देख रही हो, देखी वो इधर दोनों आ गए, दोनों आ गए सर, दोनों अब दोनों ने मुझ पर अगर हमला कर दिया ना, चला गया। हाँ जी, नीचे वो मेरे ख्याल सारे, हाँ वो नीचे उधर बैठ, ये जो बैठी थी इधर वो वाला ऊपर ही है,
उसने नीचे नहीं आना, वो जो बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है वो ऊपर की निगरानी कर रहा था, फिजाई निगरानी, कि कोई फिजा से हमला ना कर दे, है ना। इनको आप देखना चाहते हैं आप? यार मुझे लगता है इससे डर, क्योंकि मैंने दो तीन हमले भी बर्दाश्त किए। वो बच्चा तेरा यार ये बुलाया करेंगे, ये हो सकता है ये आए ना, वो दोनों बच्चे फिर रहे हैं और एक वो फल वो जा रहा कौन इधर घास में। अब मसला ये है कि ये उड़ जाए, वो देखे अब लेने आएगा इसे। अब आप जो कह रहे थे, जो खदशा जाहिर कर रहे थे, ऐसा वो छोटा तो वो वाला नहीं, ये गुम गया है ना, आप कहते थे घास में गुम जाएगा, अब देखना वो आ रहा है। अच्छा ये जो इधर जा रहा है, पता चल जाता है कि मेरा बच्चा किधर है, वो घास हिल रही थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ समझ आ गया। हुई 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 ये ऊपर आ गए फिर बस। अब कदम कदम ये संभाल लें, ना 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 मुझे मत छेड़ना। ओके जी, तो थैंक यू सो मच रमज़ान साहब, आपने इनके लिए बहुत बड़ा जो है वो किया है। ये उधर रख दो, पानी भी रख देते, कोई इशू नहीं। ये रमज़ान साहब भी बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, इनकी जो है पर्सनैलिटी का अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते। रख दो आगे हैं हम, इधर रखना है। हाँ जी, इसको आगे यहाँ पे रख दें, इधर। क्या बात, अब वो पहुँच जाएगा उधर। आपका काम और आपने अपना काम तमाम कर दिया जी। ओके जी, हम वो अब तो क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे व्यूवर्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपके? हाँ जी जी, आपके व्यूवर्स से यही रिक्वेस्ट भी है और उनके फ़ायदे के लिए कि जी एम साहब बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा, आप वीडियो देखा करें और इंजॉय किया करें, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें या नहीं? जी जी बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब के बिना कैसे कर पाएंगे। और बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और वो आपने वो